संतुलन रखने के लिए महर्षि बाघभट्ट के कुछ सूत्र याद रखने और याद रख के उनको जीवन में पालन करना है। पहला सूत्र है उनका, खाना खाने के बाद कभी भी पानी नहीं पीना। ये पहला सूत्र, खाना खाने के बाद कभी भी पानी नहीं पीना। सूत्र को उन्होंने लिखा है जिस तरह से वो मैं बताता हूं, ये मैंने भाषांतर करके बोल दिया आपको, खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना। महर्षि बाघभट्ट ने ऐसे नहीं लिखा, उन्होंने लिखा है भोजनांते विषम वारी, ऐसे लिखा भोजनांते माने भोजन अंते, भोजन अंते माने भोजन के अंत में, विषम, विषम माने विष के जैसा, वारी, वारी माने पानी, भोजन के अंत में पानी विष के जैसा है, ये है सूत्र। मतलब भोजन के अंत में पानी ना पिए, मैंने सरल कर दिया उसको। अब क्यों ना पिए, कारण उसका एक है कि हम जब खाना खाते हैं, खाना सारा पेट में इकट्ठा होता है, एक स्थान है उसको जठर कहते हैं, जठर स्थान पे खाना जब आता है तो अपन अपने आप अग्नि जलती है, उसको जठर अग्नि कहते हैं। खाना खाते ही पेट में अग्नि है, वो जठर अग्नि है, अग्नि जलती है तो खाना पचता है, अग्नि नहीं जलती तो खाना नहीं पचता। तो आपने खाना खा लिया, पेट में अग्नि जली, अग्नि ने जैसे ही जलना शुरू किया आपने पानी पी लिया और खूब ठंडा पानी पी लिया, चिल्ड वाटर, फ्रिज से निकाल के बोतल गटक ले। अब क्या होगा, अग्नि बुझ गई, अग्नि बुझ गई तो खाना नहीं बचेगा, तो खाना सड़ेगा और सड़ा हुआ खाना 103 बीमारियां पैदा करेगा। सबसे ज्यादा बीमारियां इसी में आती, इसलिए बाघभट्ट जी ने पहला सूत्र ये लिखा, भोजनांते विषम वारी, खाने के बाद पानी नहीं पीना। दूसरा नियम है